उन लोगों को, अब वो लोग मेरे नौकर बन गए हैं, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। तो बच्चों को दूध चाहिए और उसको माता रानी के लिए दिए के लिए घी चाहिए। तो मैंने उसे ऑप्शन दिया है कि या वो बच्चों के लिए दूध ले सकती है या माता रानी के लिए घी। तो वो तो एक माँ है, तो उसने बच्चों के लिए दूध मांग लिया है। जिस तरह से आपने और रोली में सीन में देखा गया, काफ़ी डायलॉगबाजी किया गया, तो क्या चल रहा है एक्चुअली? कब तक सीन ऐसा चलता रहेगा? अब तो हमने अभी अभी तो उनकी प्रॉपर्टी हासिल की है, और मेरे साथ जो जीजी ने अन्याय किया था, मेरे पति ने आत्महत्या कर दी उसकी वजह से, तो उसका बदला लेने के लिए मैं और मेरा बेटा, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी ले ली है प्रेम को बेवकूफ़ बनाकर। तो अब हम उसका बदला ले रहे हैं। जिस तरह से सिद्धांत आर्यन बनकर आया, तो आपको लगता है घर वाले उनको मना लेंगे? उनको नहीं, मना भी ले, पर वो तो हमारा गुलाम है ना, क्योंकि हमने उसको वश में कर रखा है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता। हम जो बोलते हैं वही करता है वो, कब तक ऐसा चलता रहेगा आर्यन? कब तक जब गुला तक मेरा बेटा चाहेगा। आगे क्या ट्विस्ट आएगा शो में? वो तो आप राइटर से पूछिए। नहीं अच्छा नहीं वो देखने के लिए आप देखते रहिए ससुराल सिमर का। अच्छा व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके शो को देखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आज तक आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हमारा शो 4 साल, 1000 एपिसोड्स कब के हो चुके हैं, फिर भी वी आर नंबर वन ऑन कलर्स। तो इतना प्यार दिया है आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने ही प्यार से हमारा शो देखते रहिएगा। थैंक यू।